आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 7, 8 व 9 अंक 36 गति 110 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के आत्मिक चारित्रिक और भौतिक विकास के साथ साथ समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी सहायक होती है। शिक्षा व्यक्ति को आत्मविकास की प्रेरणा व शक्ति देती है और अपने आसपास की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझने तथा अपने एवं समाज की प्रगति यानी व्यस्त एवं समस्त के संतुलन कायम करने की सूझबूझ तथा क्षमता प्रदान करती है। इसलिए मानव के विकास में शिक्षा का बुनियादी योगदान रहा है। पैरा भारत प्राचीन काल में भले ही ज्ञान एवं शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा हो किंतु मध्यकाल में कई कारणों से यह जीवन के अन्य क्षेत्रों की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ गया। पराभव के उस कालखंड में शिक्षा जहां एक और काफी हद तक उपेक्षित हो गई वहीं समाज के अधिकांश वर्गों तथा महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति से वंचित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप ज्ञान संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अवरुद्ध हो गई तथा हमारा समाज समग्र मानव कल्याण के अपने परंपरागत उद्देश्य से भटक गया। पैरा आधुनिक शिक्षा पद्धति का स्वरूप दो दृष्टियों से सराहनीय कहा जा सकता है। इसकी एक विशेषता यह है कि यह लोकतांत्रिक है अर्थात इसमें सभी वर्गों के विद्यार्थियों को एक जैसी शिक्षण संस्थाओं में एक समान शिक्षा दी जाती है और दूसरी विशेषता यह है कि इसमें महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। यद्यपि सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक अंधविश्वासों के कारण आधुनिक शिक्षा शुरू होने के कुछ समय बाद तक लड़कियों की कोशिश शिक्षा का विभिन्न स्तर पर विरोध हुआ किंतु धीरे धीरे विशेषकर स्वतंत्रता के पश्चात यह विरोध कमजोर पड़ता गया और अधिक से अधिक लोग लड़कियों को शिक्षित करने की आवश्यकता को समझने लगे। यह सच है कि आज भी स्कूलों में जाने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में महिला पुरुष साक्षरता दर में काफी अंतर है मगर इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यावहारिक स्तर पर अनेक बाधाओं के बावजूद सैद्धांतिक रूप से अधिकतर परिवार विशेषकर शहरी लोग अपनी लड़कियों को शिक्षित करने की उपयोगिता को स्वीकार करने लगे हैं। जिस समाज में 50-60 वर्ष पहले तक स्त्री शिक्षा निषिद्ध थी उस समाज में लड़कियों को साक्षर बनाने के विचार को सामाजिक स्वीकृति मिल जाना अपने आप में एक उपलब्धि है। हमारे देश के नीति निर्धारकों ने राष्ट्रीय विकास का जो रुख अपनाया उसके अधिकतर पहलुओं की नींव पड़ चुकी थी। पैरा महोदय शिक्षा भी ऐसा ही मुद्दा है। हमारे देश में 19वीं शताब्दी में शुरू हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में ही शिक्षा के समर्थन में आवाज उठने लगी थी। इस प्रकार सरकारी प्रयासों से पहले ही अनेक सामाजिक सांस्कृतिक और यहाँ तक कि धार्मिक संस्थाओं ने शिक्षा के प्रसार के प्रयास शुरू कर दिए थे। सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर काम करने वाली संस्थाओं ने अपनी गतिविधियों का और विस्तार किया जिनमें लड़कों के साथ साथ बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के विशेष प्रयास भी शामिल थे। स्वतंत्र भारत ने जो संविधान स्वीकार किया उसमें 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया गया। हालांकि
यह संकल्प अभी तक अधूरा है, फिर भी सरकारी व गैर सरकारी स्तरों पर किए गए प्रयासों के फलस्वरूप देश में साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। पैरा 20वीं सदी के अंत तक सबके लिए शिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हम अभी इस लक्ष्य से काफी दूर हैं। फिर भी पुरुष और महिला साक्षरता दर में वृद्धि के आंकड़े लगातार ऊपर की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। यह उपलब्धि इस तथ्य के बावजूद है कि देश की जनसंख्या अप्रत्याशित गति से बढ़ी है। यदि जनसंख्या नियंत्रण की कार्य नीति पर सही ढंग से अमल किया जाए तो साक्षरता से संबंधित आंकड़े अवश्य ही अधिक उत्साहवर्धक होते। देश में औसत साक्षरता दर 1951 में केवल 18.33% थी, जो 2001 की जनगणना के अनुसार 65.38 यानी लगभग 3.5 गुना हो गई। इसी तरह पुरुषों की साक्षरता दर इस अवधि में 27.16% से बढ़कर 75.87% हो गई, जो लगभग 2.5 गुना वृद्धि का द्योतक है, किंतु महिला साक्षरता में लगभग 6 गुना वृद्धि हुई, जो 1951 में 8.86 से बढ़कर 2001 में 54.16% हो गई। एक और उत्साहवर्धक पहलू यह है कि महिला साक्षरता की दर में पिछले दशकों के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साक्षरता दर में यह वृद्धि शिक्षा के प्रसार की दिशा में किए गए सुनियोजित प्रयासों का परिणाम है। साक्षरता दर में वृद्धि के लिए पूर्ण साक्षरता अभियान तथा प्राथमिक शिक्षा के विस्तार एवं सुधार के उपायों का विशेष योगदान है। हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाकर देशवासियों को याद दिलाया जाता है। पैरा, मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा यह कृत संकल्प है कि नई आर्थिक नीति सामाजिक न्याय की संवर्धक बने तथा उसका पूरा पूरा लाभ हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े और पिछड़ों में से पिछड़े वर्गों तक पहुंचे। इस दिशा में गत 3 वर्षों में हमने कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। इसी क्रम में अब हम कुछ नए कदम उठाने जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में अधिक और सुनिश्चित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपए की एक नई महत्वाकांक्षी योजना शुरू कर रही है। पैरा, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित यह योजना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना होगी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा संचालित स्थायी विकास के कार्यों में काम करने वालों को नकद और अनाज के रूप में मजदूरी मिलेगी। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए के मूल्य का 50 लाख टन अनाज राज्यों को हर वर्ष आवंटित किया जाएगा। मौजूदा सभी रोजगार योजनाओं को इस बृहद योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इस योजना से लगभग 100 करोड़ श्रम दिन के रोजगार के अवसर के रूप में उत्पन्न होंगे। हमारी अर्थव्यवस्था में एक खास विसंगति है, प्राय समूची बचत बैंकों में जमा है। बैंक इसका पूरी तरह से विकास कार्यों में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। पैरा, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों को बैंकों की सहायता नहीं मिलती। ये असंगठित क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का 2/3 हिस्सा है। इस क्षेत्र की ऋण वापसी की साख बड़े उद्योगों की तुलना में अच्छी है। हम असंगठित क्षेत्रों को साधन मुहैया कराने के लिए कुछ संस्थागत प्रबंध का विचार कर रहे हैं।
विकेंद्रीकरण के बिना न तो विकास में तेजी संभव है न ही इसमें जनता की भागीदारी। इसीलिए 10 वर्ष पहले पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सौंपने के लिए हमारे संविधान में 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, लेकिन अभी भी वित्तीय और प्रशासनिक दृष्टि से हम पंचायतों को पर्याप्त रूप से अधिकार संपन्न नहीं बनाना पाए। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार शीघ्र ही एक राष्ट्रीय बहस छोड़ेगी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के 30 लाख से अधिक सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। हम चाहेंगे कि विकास की प्राथमिकताओं का निर्धारण, कार्यक्रमों की योजना तथा कार्यान्वयन ग्रामवासियों की भागीदारी से पंचायतें स्वयं करें। इसके लिए पंचायतों को तथा ग्रामीण विकास कार्यों में लगे गैर सरकारी संगठनों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के बारे में भी कदम उठाए जाएंगे। विराम।